Sir, please, sir. I know we are at fault, but at least we deserve one chance, please. I don't think so. Ki ho sakta hai, sir. Yaar, emu yaar, I think hame inko ek chance dena chahiye. Agar unhone itni koshish ki, yahan tak aa gaye, maybe they're really good. Agar humne chance na diya, hame pata hi na chale ki if they're good or not. De de, chance dena chahiye. Aap log keh rahe hain, why not? Chale, to dekh lete hain. Let's do that. Lekin ek baat hai, kyunki hum aapko chance de rahe hain. और ये बात गलत है और आप लोगों ने झूठ बोला है बाकी लोगों को हम लोगों ने 2 मिनट्स दिए हैं आप लोगों को हम 45 सेकंड्स देंगे और इससे ज्यादा नहीं देंगे दैट्स वेरी गुड थैंक यू मगर इन 45 सेकंड्स आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि आर यू रियली एलिजिबल फॉर द टॉप 25 या नहीं जजेस क्या फैसला है हार्मोनिक्स के बारे में देखिए मैं समझती हूँ कि हार्मोनिक्स में जो मीरा की आवाज है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलफुल वॉइस है और इस बैंड के अंदर जो एक ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन है दैट इज साउंडिंग रियली परफेक्ट आई एम इनक्रेडिबली इंप्रेस्ड फैंटास्टिक जॉब वेल मुझे ज्यादा खुशी नहीं थी जब इन्होंने झूठ बोल के इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया मगर आफ्टर लिसनिंग इनका जो गाना इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और मेरा दिल बदल चुका है और कहने पे मजबूर है कि वेल डन और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड मेरी तरफ से यस नहीं नहीं बाजी मुझे क्या पड़ी आपका काम छोड़ो हाँ जी ये तो आप ठीक ही कह रहे हो छुट्टियां वाकई बड़ी हो गई हैं नहीं बाजी मैं क्या बताऊँ आपको मेरी बेटी का बड़ा मसला है जिस दिन से बीमारी से उठी है ना मुझे तो एक मिनट के लिए नहीं छोड़ती है ये हाँ जी नहीं नहीं बाजी कल मैंने लाजमी आना आपके पास आप फिक्र ना करें हाँ जी आप बेफिक्र रहें सारा काम कर लूंगी अच्छा जी क्या हुआ है तेरी बेगम साहब ने तुझे नौकरी से निकाल दिया है अभी तक है नौकरी पे और वैसे मुझे एक बात बता तू भी अजीब आइटम है चल ये तो बीमार है स्कूल नहीं जा रही तू घर क्यों बैठी रहती है हर वक्त काम क्यों नहीं करती ले इम्तियाज तेरे सामने ही है जब से बीमारी से उठी है मुझे छोड़ती कहाँ ये चिपकी तो बैठी रहती है मेरे साथ बाजी बड़ी गुस्से हो रही थी वो तो बड़ी अच्छी है तेरी बेगम साहबा के इतना बर्दाश्त करी अभी तक तुझे नौकरी से नहीं निकाला ऐसे कोई और होता ना तो कब का मुझे फारिग कर चुका होता हाँ लेकिन बस अब जो भी हो जाए ना कल मैंने जाना है लाजमी उसके घर कोई मेहमान भी आ रहे हैं दावत है उसकी कल ही बेचारी किस तरह करेगी हाँ सही है तू कल से काम पे जा आराम से सुकून कर जेबो की फिक्र क्यों कर रही है मैं हूँ ना ले वो पहले पढ़ाई की चोर हुई हुई है ऊपर से तू इस तरह के मशवरे दे दे किस खुशी में वो बैठी रहेगी घर स्कूल क्यों नहीं जाएगी सुना तूने अब तेरे बहाने मैं नहीं सुनूंगी ठीक है कभी सिर में दर्द हो रहा है कभी पेट में दर्द हो रहा है चल उठ और जाके मुंह हाथ धो रात की तैयारी कर जल्दी सोएगी तो जल्दी उठाऊंगी तुझे वरना थकी भी उठेगी कोई ना कोई इसको बातें याद आ जाती हैं वो इतनी ना सख्ती कर चली जाएगी स्कूल भी उसकी कौन सी उम्र गुजरती जा रही है एक तो तू भी ना इम्तियाज इसकी सैड ले लेके तूने इसको बिगाड़ दिया है जिद्दी हो गई है मुझे तो डर है अब इसकी पढ़ाई से दिल ही ना उठ जाए वो चल तू तो पीछे ही पड़ गई है उसके भेज दे स्कूल उसको तूने जो कल ही FABA कराना करा ली मर्जी है तेरी भाई मैं क्या कह सकता हूँ
नाल प्यार होया दिल पे करार होया तेरे नाल प्यार होया दिल पे करार होया तेरे नाल प्यार निभावन मैं आना है सजना वे सजना मैं तेरे कोल आना सजना वे सब कुछ छोड़ के मैं आना है सजना मैं तेरे कोल आना हाय सजना वे सब कुछ छोड़ के मैं आना अम्मा अम्मा टीवी पे मीरा ये चले चल कोई और होगी उनकी शक्ल है टीवी चाणा ली अम्मा सच कह रही हूँ ते वाकई मेरे कैसा है खुमार होया जीना दुश्वार होया कैसा है खुमार होया जीना दुश्वार होया तेरे नाल प्यार मेरा है तो तू गाती पई है कितनी सोहनी लगती पई है मेरी दी माशाल्लाह मेरा तो टीवी पर तू इतनी सोहनी आ रही है पर हुए भी तो तू इतनी सोहनी है मां सदके थी वहां माशाल्लाह वाह 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 क्या बात है तेरी मेरा तू तो गाते पई है टीवी पे मजा होता तपशो दा पागल हो जाता खुशी दे उन्हें तो कुछ भी नहीं देखे ना बुरा अच्छा लगे मेरा तू तो टीवी तक गाती अरे वाह मैं तो समझा था मेरा बेटा ऐसी म्यूजिक शूजिक में वक्त जाया करता है तो बड़ा अच्छा किया तुमने यार ऑफ कोर्स ये लड़की जो तुम्हारे साथ गा रही है फरवा की जगह ये सुरीली है इसका क्या नाम है इसका मीरा नाम है इसका अच्छा एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है यार मिली तो इसको नाइटिंगेल कहती है वाह भाई अरे कमाल हो गया मैं तो तुम लोगों को बहुत हल्का पुल्का सिंगर समझ रहा था बहुत अच्छा गाया तुमने कमाल कर दिया माशाल्लाह जबरदस्त बहुत प्यारा बहुत हीर बन के मैं आना फिर मैं किते नहीं जाना तेरे संग जीना मर जाना है कोल तेरे बैठे रहना तेनु मैं हो कहना तेरे तू अभी तक बैठी हुई है कपड़े नहीं बदले तूने वो अम्मी जी मेरे हाँ आज कहाँ दर्द हो रही है सिर में सिपू तुझे शर्म नहीं आती माँ से झूठ बोलते हुए हैं तेरी बीमारी के बाद स्कूल से छुट्टियां क्या हो गई तुझे तो घर बैठने की लत ही पड़ गई है आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी आई समझ चल पहन फौरन तू यूनिफॉर्म अम्मी जी मैंने स्कूल नहीं जाना मैंने तुम्हारे पास घर पे रहना है मुझे स्कूल ना भेजो क्या कहा तूने मुझे स्कूल नहीं जाना मैंने कभी भी स्कूल नहीं जाना अम्मी जी स्कूल नहीं जाना है सारी उम्र इसी तरह अनपढ़ पड़ी रहेगी क्या पढ़ेगी नहीं तो माँ की तरह के लोगों के घरों में जा जाके खाने पकाएगी बर्तन धोएगी चल फौरन यूनिफॉर्म बदल तो और कपड़े बदल सुना नहीं क्या तूने मेरी बात आवाज नहीं जा रही क्या मेरे कानों में उठ जुल्म नहीं हो रहा तुझ पे जो रोई जा रही है पढ़ लिख के मुझे कोई नहीं फायदा करना तुम तेरे ही काम आएगा
ठहर जा, बनाती हूँ मैं तेरे बाल। देख, तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात मेहनत की है मैंने, अपना पेट काट काट के तुझे पढ़ाती रही, तेरे पीछे हड्डियां घिसा ली है मैंने। तेरा अब्बा मर गया था तो काम पे मैं किसके लिए निकली? मुझे इतने साल की मेहनत तू जाया करना चाह रही है, बर्बाद करना चाह रही है, हैं? खबरदार जो तूने दोबारा इस तरह की कोई बात की कि मैंने स्कूल नहीं जाना, सुने? चल साफ करिए आंसू। मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू निकाल के बैठ गई। कापियां किताबें रखती है मैंने तेरी बस्ते में, आराम से बस्ता उठा और स्कूल की तैयारी पकड़, आई समझ? चल उठ। वाह जी वाह, तैयार हो गया दोनों, आज तो जेबो भी स्कूल जा रही है। हाँ बस इसको स्कूल छोड़ के ना मैं काम पे निकल जाऊंगी। अच्छी अच्छी पढ़ाई करी। मैं त्यार छुट्टी के वेले इसको स्कूल से ले लें, लेकिन मुझे पता नहीं कितनी देर लग जाए। बाजी के घर दावत है बड़ी, और हाँ वो मैंने दोपहर की हांडी बना के चूल्हे के पास रख दी है, आप भी गर्म करके खा लें, इसको भी खिला लें। वो तो क्यों फिक्र कर रही है, आराम से अपना काम कर, लौटे के वेले आई बेशक। इसको मैं ले आऊंगा, इसका ख्याल भी रखूंगा, क्यों शहजादी? रब रख, रब रख। चल मेरे घोड़े, लो जी घर भी आ गया, आजा आजा आजा, शाबाश, ओ खलो जा खलो जा, दरवाजा तो बंद करने दे। आ भाई शहजादी मेरी, देख कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे, कितनी गोलियां टाफियां लेके दी हैं मैंने तुझे, ओ फल देख, कभी देखा तूने इतना फल? कमरे में चलते हैं, काट काट के अपनी शहजादी को खिलाऊंगा, ठीक? मुझे अंदर नहीं जाना। ओ क्यों नहीं जाना तूने अंदर, मैंने डर क्यों नहीं है मुझसे, इतना तो प्यार करता हूँ मैं तुझसे, डरने वाली क्या बात है, पागल ना हो तो। और बात सुनना, रात को बाहर खाना भी खिलाऊंगा, मुर्गी छोले लच्छे भी लेके दूंगा, पसंद है ना तुझे लच्छे? छोड़ दे अब्बा, मुझे नहीं जाना अंदर। मैंने कहा चलो वो खिला दूंगा इसको,
कहना नहीं मानती। तू सही कह रही थी, बड़ी जिद्दी हो गई है, बिगड़ गई है। जाता हूं मैं दुकान पे। पहले इसको स्कूल लाने ले जाने के चक्करों में ना बड़ा हरज हो गया दुकान का, तू खुद ही देख ले। फल खा ले तू भी काट के, कमजोर लग रही तुम्हें थोड़ी। अम्मी जी मुझे भूख लगी है। क्या हुआ सेबो? मुझे भूख लगी है अम्मी जी। अच्छा आज मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ। बीमार होने का ड्रामा कर रही ताकि तू घर पे रहे और तेरी माँ भी यहाँ पर टिकी रहे। बोल किसके साथ चलाकियां कर रही थी? जाने दे अब्बा मुझे छोड़ दे। पेड़ मारूंगा तेरे मुंह पे रख के। ये ले पुत्र रोटी खा ले। देखिए गर्म है मैं खिलाती हूँ, आप ना जल जाओ। बिबू मैं जब दोपहर को घर आई हूँ तो उसी वक्त स्कूल से आई थी। हाँ क्यों, इतनी देर से क्यों आई? तेरे स्कूल की छुट्टी तो बड़ी देर पहले हो जाती है। बने रास्ते में से फल खरीदे थे इसलिए देर हुई थी। बस अम्मी जी मुझे भूख नहीं। क्यों क्या हुआ है? अभी तो तुझे बड़ी भूख लगी थी, दो निवाले भी नहीं खाए तूने। अम्मी जी मैं स्कूल का काम कर लूं? जा कर लूं। फंस गए इम्तियाज बेटा, फंस गए। इस मनहूस औरत को भी आज इसी वक्त घर वापस आना था। चलो वैसे खैर ही है, ऐसे भी कोई गलत हरकत करते पकड़ा नहीं गया मैं, मुझे क्या लोड़े शर्मिंदा होने किसके सामने। और हुआ भी क्या है, ज़ेबो को डांट लगाते तो देखा है उसने मुझे। इन माँ बेटी को पाल भी तो रहा हूं, इस बुढ़ी बद शक्ल की हिम्मत है जो मुझे आंखें दिखाएगी? रख के चपेड़ मारूंगा इसके मुंह पे। मर्द हूं, घर वाला हूं इसका, जो जी में आएगा करूंगा। अबे क्या हो रहा है?
वैसे कमाल ही हो गया, मुझे कोई रोटी छोटी मिलेगी या नहीं? दोपहर को दुकान पे रश था बड़ा, खाना खाने आ नहीं सका, तूने भी नहीं पूछा। रात भी हो गई है, अभी भी नहीं रोटी का पूछा। वो चक्कर क्या है, हुआ क्या है आज? खैरियत तो है? तू मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी डालती हूँ। चल जेबू, किताबें उठाओ और अंदर लेके जा कमरे में। भाई क्या पकाया है? कहाँ जा रही है? वो खाना नहीं खाएगी? खा लिया मैंने, तू खा ले तो चाय बना दूंगी तेरे लिए। अम्मी जी। हाँ सेतु, बोल। अम्मी जी, मैंने स्कूल का काम कर लिया, पर मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। सेतु, अगर मैं खुद तुझे स्कूल छोड़ने जाऊँ और खुद ही लेने भी आऊँ, फिर भी तू स्कूल नहीं जाएगी? तुम काम पे नहीं जाओगी अम्मी जी? जब मैं स्कूल से आऊंगी तुम घर पर होगी? हाँ, घर पे ही होंगी, नहीं जाऊंगी काम पे। हाँ भाई, ज़ेबो शहज़ादी, क्या हाल है? चल उठ ज़ेबो, जाके अपना बैग लेके आ, स्कूल छोड़ के आऊं मैं तुझे। ये ले, तू नाश्ता कर ले, मैं ज़ेबो को स्कूल छोड़ के आती हूँ। तू तैयार नहीं हुई? काम पे नहीं जाना तूने? नहीं। क्यों? बाजी ने निकाल दिया मुझे नौकरी से। नौकरी से निकाल दिया? ओए, जब इतने दिन तू काम पे नहीं की तब तो निकालना नहीं उसने, कल आधा दिन काम कर रही तो निकाल दिया। छुट्टियां करने पे तो पहले ही वो मुझसे नाराज थी, बस बहाना चाहिए था उसको नौकरी से निकालने का। कल मेरे से उसका एक कीमती बर्तन टूट गया था। चल तू नाश्ता कर, मैं आती। जा जेबू। मुझे छुट्टी के टाइम पे तुम आओगी ना? हाँ पुत्र, मैं ही आऊंगी। तो आराम से स्कूल जा और दिल लगा के पढ़ाई कर। अच्छा, चल जा। सलाम बाजी। बाजी मैं साजिदा बात कर रही हूँ। जी बाजी, मैंने आपसे बात करनी थी। वो कल से मैं काम पे नहीं आऊंगी, आप किसी और का बंदोबस्त कर लें खाना पकाने के लिए। हाँ जी बाजी, वो मेरे घर वाले को अच्छा नहीं लगता मैं नौकरी पे जाती हूँ। जी जी, मैं आके कर लूंगी हिसाब दो तीन दिन में। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अब मैं वादा करता हूँ तेरी और ज़ेबो की ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा। तू कहेगी इतना प्यार तो परवेज भी नहीं करता था ज़ेबो से जितना प्यार मैं करूँगा। ये ले जा, ये दो नंबर लीडर नहीं है, सारा दिन गाने सुन, खराब नहीं होंगे। पैसे दे। चल ठीक। सज्जो, तू कहाँ जा रही है इस वक्त? ज़ेबो को स्कूल से लेने जा रही हूँ। स्कूल से? अभी तो 12:30 भी नहीं हुए, घड़ी देख के नहीं निकली तू घर से?
कड़ी देख के निकल रही हूँ। तो आधा घंटा वही धूप में खड़ी देगी? हाँ खड़ी रहूंगी। तुम क्यों खड़ी हो गई? अब्बा को दुकान पर चाय दे के आनी है ना। नहीं नहीं तू अपना स्कूल का काम कर, मैं दे के आती हूँ चाय। ये ले चाय। बात सुन सज्जो, तू क्यों चाय लाई है? ज़ेबो कहाँ है? जरूरी तो नहीं कि ज़ेबो ही चाय ला के दे तुझे, मैं भी तो ला के दे सकती हूँ। वैसे स्कूल का काम कर रही है बस। देखो देखो क्या हुआ अम्मी जी? तू कहाँ चली गई थी? मुझे जगाया क्यों नहीं अगर तुझे प्यास लगी थी? अम्मी जी उस दिन तुमने डांटा था ना, इसलिए नहीं जगाया। देखो तू क्या छोटी सी बच्ची है जो मुझे सोते से उठा के पानी मांग रही है? जा जाके खुद से पानी पी। ज्यादा ही नन्नी काकी बनने लगी है तू तो। अब नहीं डांटूंगी पता, नहीं डांटूंगी। तुझे रात को प्यास लगे तो मुझे जगाया कर, आई समझ? चल पी ले पानी। कोई रोटी शोटी मिलेगी आज? भूख लगी है, खुद नहीं एहसास है तुझे मेरा? जा ज़ेबो जाके कपड़े बदल, देती हूँ। और बात सुन, कब तक घर बैठी रहेगी वेली निकम्मी? काम कर जाके बाहर। क्यों? क्यों क्या? क्यों तो लड़ाई होती है, काम नहीं करना तूने? नहीं थक गई हूँ मैं नौकरी कर करके, अब मैं घर पे ही रहूंगी। वैसे भी फिर तू ही कहता है नौकरी ना कर, घर का खर्चा चलाना मेरी और ज़ेबो की जिम्मेवारी तो तेरी है ना, तो बस मैं घरदारी करती हूँ, तू घर का खर्चा चला। आजा हांडी तैयार है, मैं रोटी बनाती हूँ, तू हाथ धो के आ जा। फंस गया हूँ मैं तो। ਸੱਜੋ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫੇਰ ਝੂਠਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲੂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਮਰਾਸੀਓ ਕੇ ਘਰ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਯੇ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਕਰਤੀ। ज़ेबो क्या हुआ अम्मी जी? ज़ेबो वो कहाँ थी, कहाँ चली गई थी तू? अम्मी जी तुमने ही तो बोला था मुझे इधर बैठने को, तुमने ही तो बोला था मुझे स्कूल का काम करने को। मैंने तो बोला था तुझे
मैं भूल गई थी, मैं भूल गई थी ज़ेबो। क्या हुआ अम्मी जी, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ ज़ेबो, मैं बस तुझे सामने नहीं देखती ना अपने नजरों के तो परेशान हो जाती हूँ। मेरा दिल चाहता है अपनी ती को अपनी नजरों के सामने देखूं हर वक्त। तू अपना स्कूल का काम कर, शाबाश। रब्बा मेरी मदद कर, मैं क्या करूं, किसको अपनी परेशानी बताऊं, किससे मशवरा मांगूं, मुझे क्या करना चाहिए? शायद मुझे इम्तियाज पे शक नहीं करना चाहिए, मैं गलत शक कर रही हूँ। इम्तियाज इतना कमीना, इतना जलील नहीं हो सकता। रब्बा मैं क्या करूं, किससे बात करूं? काश आपा शीदा ही होती, वो कोई अच्छा मशवरा तो दे देती मुझे। सज्जो तू कैसे आज बहन के घर का रास्ता भूल गई? बस बड़ी बाजी, एक बात करनी थी मैंने तुझसे। जा ज़ेबो, तू जाके बाजी उसना के पास बैठ, है? जा उससे बातें कर। जा ज़ेबो जा। सज्जो चाय पिएगी या कुछ और मंगवाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं। तो भाई अब तू भी बड़े घर की हो गई है, दुबई पलट मियां मिल गया तुझे, अब तो तेरे घर भी रोज ही गोश्त पकता है। मैंने इम्तियाज को देखा था परसों, मुझे मिला था ज़ेबो को स्कूल से लेके जा रहा था, इतनी सारी थैलियां थी जिसमें गोश्त फ्रूट फल केक शेक सब कुछ था। भाई मैं तो कहती हूँ इम्तियाज से शादी करके तो भाई तेरे दिन ही फिर गए। मैं तो दुआ करती हूँ कि बाप हो तो इम्तियाज जैसा और शौहर हो तो इम्तियाज जैसा। मेरी तो दुआ है कि जी हुसना को भी ऐसा ही शौहर मिले। वैसे तो इम्तियाज की जितनी तारीफें करो ना वो काट है। और तू बता वैसे तू कैसे आई थी? कुछ नहीं बड़ी बाजी, कोई खास बात नहीं थी, बड़े दिन हो गए थे, मैंने कहा तेरा हाल चाल पूछो। अच्छा किया, मैं तो खुद याद कर रही थी, इतने दिन हो गए थे तू आई नहीं थी। मैं तो समझी मैम मेरी बहन छोटी भूल गई मुझको। वैसे मैं तुझसे बड़ा प्यार करती थी शुरू से, तुझे पता है मेरा तेरे से बड़ा प्यार था वैसे, है ना? अम्मी जी खून, मम्मी जी खून। कुछ नहीं हुआ ज़ेबो, थोड़ी सी छुरी लग गई बस, मैं धो के आई। अम्मी जी को मत मारना, अब्बा कुछ नहीं बोलूंगी। अम्मी जी को मत मारो, नहीं बोलूंगी अब्बा। ज़ेबो खून मत निकालो, खून नहीं बोलूंगी, मारना नहीं, छुरी ज़ेबो नहीं बोलूंगी अब्बा, नहीं मारो। ज़ेबो कैसी बातें कर रही है, होश में आ बेटा। अब्बा नहीं बोलूंगी, अब्बा नहीं बोलूंगी, अब्बा नहीं बोलूंगी, अब्बा अम्मी जी को मत मारना, अब्बा खून ना काट लिया, नहीं खून 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 अम्मी जी को मत मारना, कुछ नहीं। मैंने तेरे सिर में मालिश करती है ना, अब देखी तेरे सिर का दर्द कैसे भागता है। ज़ेबो एक बात तो बता मुझे, अब्बा तेरे साथ कैसा रहता था? मेरा मतलब है जब मैं काम पे जाती थी तो तुझे डांटता तो नहीं था, ख्याल रखता था तेरा? तो फिर तू इतना डर क्यों गई है उससे? काफी दिनों से मैं देख रही हूँ, जैसी उसको देखती है डर जाती है। नहीं अम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं। अरे जा कर रही है, बाल तो बनाने दे। अम्मी जी मुझे पानी की प्यास लगी, मैं पानी पी का आ। ये निशान कैसे लगा तेरे, दिखा, चोट लगी है तुझे? Thank you.
जेबो, उस दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और तुझे बुखार चढ़ा था, कुछ हुआ था क्या? नहीं। देख, झूठ ना बोलनी मुझसे, माँ हूं मैं तेरी। तू झूठ बोलती है ना तो तेरी आंखों से मुझे पता चल जाता है। सच सच बता दे मुझे, क्या हुआ था उस दिन? था मत्यास ने तुझे मारा था? हाथ उठाया था तेरे पर? तेरे हाथ और गर्दन पे निशान उसके मारने से लगे थे क्या? मुझे मुझे अब्बा मार देगा। किसे जेबो? वो तुझे भी मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। किसी को नहीं मारेगा जेबो, ये तुझे किसने कहा है? ने? अम्मी जी, वो जो बावर्ची खाने में बड़ी वाली छुरी है ना, वो तुम कहीं छुपा दो वरना अब्बा मार देगा। ये तुझे मत्यास ने कहे कि वो तुझे और मुझे उस छुरी से मार देगा? हाँ अम्मी जी, अब्बा बहुत गंदा है। अम्मी जी मुझे बचा लो, अब्बा मार देगा। अम्मी जी अब्बा बहुत गंदा है, मारेगा, बहुत गंदा है अब्बा। मुझे बता तो सही से, वो हुआ क्या था? क्या किया था मत्यास ने उस दिन? देख, तेरी माँ है ना तेरे पास, तो डरने की क्या बात है? आज तो मत्यास भी घर पे नहीं है, कोई नहीं डरने की बात। बता क्या हुआ था, वरना मैं तो खुद ही सोच सोच के मर जाऊंगी। अम्मी जी, वे सजना मैं तेरे को ले आड़ा।